अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारी मिनी व्लॉग स्टार्ट होती है। आज हम खाना खाने के लिए रायविंड जा रहे हैं बम्बा से। ये बम्बा गांव है इधर रायविंड के आगे, तो वहाँ से हम खाना पीने के लिए रायविंड जा रहे थे। ये रायविंड के पुल को क्रॉस करने के बाद सीधा हम पहुँचे गोल चक्कर पर। मरकज़ के सामने वाले गोल चक्कर को क्रॉस करते हुए हम सीधा पहुँचे मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद हमने खाने का ऑर्डर दे दिया और भाई 2 मिनट के बाद नानटकी लेकर आ गया और साथ में बोतलें लेकर आ गया था। तो बिलाल भाई और अरजान भाई ने खाना पीना शुरू भी कर दिया था। मैंने कहा अच्छा मुझे मेरे लिए नहीं रुके आप। मैंने भी कहा चलिए यार मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने भी नान पकड़ा। नान पकड़ने के बाद मैंने भी टिक्की से इसको लपेट के और टेस्ट किया, ये काफ़ी मज़ेदार था। तो मैंने कहा यार मेरी बोतल पकड़ा दें। अरजान भाई ने मेरी बोतल पकड़ा। मैंने खाना खाने के बाद बोतल को पकड़ा और इसकी चुस्की ली तो काफ़ी मज़ा आया। तो खाना खाने के बाद हमने अपनी बाइक निकाली। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो बाइक निकालने के बाद हम सीधा मार्केट से बाहर निकलने ही वाले थे कि सामने एक मशहूरी आ गई। मशहूरी को हमने स्किप किया और यहाँ मशहूरी को स्किप करते हुए हम ड्राइविंग के गोल चक्कर पर पहुँचे और यहाँ पर इस भाई ने नोकिया का मोबाइल निकाला। मैंने इसे कहा यार इसको अंदर रख ले, इसमें पानी चला जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम रायविंड से एग्ज़िट हो गए और दोबारा अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। मैंने कहा चलें यार अभी बारिश काफ़ी हो गई है, चिल करने के लिए चलते हैं। तो काफ़ी मजाक किया बाइक पर हमने। मैंने कहा भाई थोड़ा मजाक करो, क्या पता ये बाइक यहाँ पर खिलर जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा काम हमने बाइक रोक ली अपनी। मैंने कहा यार कहाँ पर जा रहे हो। बिलाल भाई कह रहे हैं हमने काम है थोड़ा सा। तो गाइस वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो काम पूरा करने के बाद हम फिर से अपनी बाइक पर निकल लिए और काफ़ी मजाक करने के बाद तो हमने काफ़ी मजाक किया बाइक पर। ये देख सकते हैं मजाक करने के बाद हम पहुँचे एक पान शॉप पर। तो बिलाल भाई कह रहे हैं मैंने बाइक चलाने में गति चूट चला लिया भाई, क्या हुआ है। उसके बाद अरजान भाई वहाँ से एक बोतल लेकर आए, 2 गिलास थे डिस्पोजल। हम बैठे और हम सीधा हमने कहा यार हम चलते हैं बड़ी नहर पर। बड़ी नहर पर पहुँच गए अभी हम। तो बड़ी नहर को क्रॉस करने के बाद हम सीधा पहुँचे जहाँ पे हमने बैठना था। तो तस्वीरें वगैरह खींचनी थी तो मैंने कहा चले यार यहाँ बाइक रोक लें। यहाँ बाइक रोकने के बाद हम उतरे बाइक से और मैंने पानी की गहराई में तो काफ़ी डर गया। मैंने कहा यार पीछे हो जाता हूँ, क्या पता मोबाइल ही गिर जाए इसमें। उसके बाद मैं पीछे हो गया बोतल शोतल दिखाने के बाद, काफ़ी मजाक करने के बाद ना तो इनकी बोतल पर झगड़ा हो गया। कह रहा मैंने खोलनी है, वो कह रहा मैंने खोलनी है। तो आखिर जान कह रहा मैंने इसे फेंक देना, बिलाल का फेंक दे। तो आखिर बिलाल कामयाब हो गया, उसे बोतल को सहार ली इसने। उसके बाद मैंने कहा तुम लोग झगड़ते रहो, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, मुझे तो बोतल डाल कर दो गिलास में। उन्होंने सबसे पहले मुझे बोतल डाल कर दी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और बोतल की चुस्की ली। चुस्की लेने के बाद उन्होंने पीछे आ गए और बोतल को भी खाली कर दिया। इतने हल्के हो रहे थे ये लोग। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। उसके बाद अरजान भाई बिलाल भाई कह रहे थे यार पुल पर हमारी तस्वीर वगैरह खींचो। तस्वीर वगैरह खींचने के बाद हम वहाँ से निकले वापस घर की तरफ। तो मैंने कहा यार वहाँ से मोबाइल बचा कर लिया, यहाँ पर फेंक दूँगा, तो इससे मोबाइल अंदर रख लिया था। उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। तो रास्ते में 2 लड़के थे, वो कह रहे यार हमारी वीडियो बनाओ। मैं कहा चलो यार आपकी बना लेता, क्या याद रखोगे आप लोग भी। उसके बाद अरजान भाई नोकिया मोबाइल का मजाक वगैरह बनाते, तो पहले दौर में यही चलते थे, क्या हुआ यार। तो खैर बहरहाल उठते फिरते गिरते पड़ते हम तो अपने घर पहुंच गए। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट।